आम आदमी पार्टी बरेली मंडल की प्रांतीय मीटिंग आम आदमी पार्टी कार्यालय आवास विकास सुरेश शर्मा नगर में आयोजित की गई, जिसमें 5 जिलों के जिलाध्यक्ष व प्रभारी सम्मिलित हुए। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे रोहिलखंड प्रांत के अध्यक्ष मोहम्मद हैदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बरेली नगर निगम के चुनाव प्रभारी व प्रदेश के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष AP सिंह भी समीक्षा मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग का प्रमुख विषय था निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरह से मजबूती के साथ भाजपा को टक्कर देकर एक साफ सुथरी निगम की सरकार का निर्माण करने में सफल हो सकती है। प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद हैदर ने कहा कि इस चुनाव में हम हर निकाय व महानगर में स्वच्छ छवि के अच्छे प्रत्याशियों को उतारने का पार्टी प्रयास करेगी। इसके अलावा हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता हमें एक मौका देती है तो हम निकाय में जनता को पानी माफ, हाउस टैक्स हाफ की राहत जनता को देंगे। इसके अलावा ये चुनाव साफ सफाई का चुनाव है, हर निकाय में स्वच्छता अभियान चलेगी। आज की ये प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर है और ये रोहिलखंड प्रांत की प्रेस वार्ता है। तो हमारे रोहिलखंड प्रांत में जितने 10 जिले आ रहे हैं उन 10 जिलों की ये समीक्षा मीटिंग है और इसी को लेकर हम अच्छे प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और कोशिश ये है कि हम निकाय चुनाव के जरिए एक निकाय की भी अपनी सरकार होती है उस में बदलाव लाकर जनता को एक अच्छी आम आदमी पार्टी की सरकार दे सके। हाँ, आवेदन आ रहे हैं और आवेदनों पर हम लोग उसके बाद चयन करेंगे। जो भी अच्छे प्रत्याशी होंगे, साफ सुथरे प्रत्याशी होंगे, आपराधिक प्रकृति या छवि के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो अच्छे ही प्रत्याशी आपको मैदान में मिलेंगे। हाँ, सभी सीटों पर, निकाय की सभी सीटों पर हम प्रत्याशी उतारेंगे। देखिए, हमारे मुद्दे वही रहेंगे। एक तो ये है कि हम पानी माफ और हाउस टैक्स हाफ, एक तो ये हमारा मुद्दा है और दूसरा हमारा गंदगी का मुद्दा है जो कि झाड़ू से सफाई होती है। तीसरे, हम जनता के मुद्दों पर ही लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि जनता की जो बुनियादी चीज़ें हैं जो नगर निगम में और निकाय में आनी चाहिए, चेयरमैनी क्षेत्र में जो जनता की समस्याएं होती हैं उनको लेकर ही हम चुनाव लड़ेंगे। उन समस्याओं को जो सरकारें बनी हैं, चाहे BJP की रही हो या समाजवादी की रही हो, उनको दूर नहीं कर पाई हैं, जिनसे जनता बड़े लंबे समय से त्रस्त है, तो उन चीज़ों को हम दूर करेंगे और जनता से ही पूछकर हम काम करेंगे कि वो अपनी चेयरमैन की क्षेत्र में क्या चाहती है। और एक हमारा जो राष्ट्रीय घोषणा पत्र है वो ये है कि हर चेयरमैनी क्षेत्र और नगर निगम में एक मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया जाएगा। नहीं, आवेदन आ रहे हैं लेकिन जब तक हमें योग्य प्रत्याशी नहीं मिल जाता है तब तक हम उसका चयन नहीं करेंगे। कई जगह सभासद प्रत्याशी लोग जो है उन्होंने पार्टियों से दे रखा है आवेदन। लड़ाना तो अच्छे ही आदमी को, ऐसा तो नहीं कोई ऐसे आम आदमी कहने लगे, तो वो कह रहे अगर मुझे टिकट उन पार्टियों से नहीं मिला, ज्यादातर लगे हुए ये कि वार्ड में तीन तीन प्रत्याशी लाए जो कम से कम लड़े हुए हैं पहले और नंबर दूसरे बात रखी, और उसके लिए भी दो काम होने बहुत जरूरी है। जब तक आप उन लोगों से मिलेंगे नहीं, मान लीजिए मैं दूसरी पार्टी में आवेदन कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं जानता कि आम आदमी पार्टी के लिए मुझे मिलना कैसे है, मुझे पता ही नहीं, तो मैं आपको कौन सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश के नगर निगमों को लेकर है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के नगर निगम में चुनाव लड़ेगी। हम लोग वाटर टैक्स हाफ, हाउस टैक्स माफ के नाम पे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे और जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में हुआ है उसको अपनी झाड़ू से साफ करने का काम करेंगे। आपने देखा दिल्ली के अंदर 15 साल से MCD में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। हम लोग दिल्ली वालों के बीच में गए, दिल्ली वालों ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, झाड़ू वालों को मौका दिया और दिल्ली से गंदगी साफ करने के लिए हमको दिल्ली में सरकार हमारी ने MCD में बनाई। जब से हमारी MCD में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर दिल्ली को साफ करने का काम कर रहे हैं उसी वादे के साथ, जो वादा नहीं अब अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, जो क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल जी की है। हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे, जा रहे हैं। हम लोग विधानसभा चुनाव में गए थे, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा था कि हम आपको आपके बार मौका देंगे, अब वो समय आ गया है। ये चुनाव साफ सफाई का चुनाव है, ये मौका अपने शहरों को सफाई का साफ करने का चुनाव है।
हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे एक मौका झाड़ू वालों के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि झाड़ू से अच्छी सफाई कोई नहीं कर सकता। तो आम आदमी पार्टी हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स हाफ के नाम पर उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव में लड़ेगी। मैं मुरादाबाद से, यहाँ आज बरेली मेरा जो है बरेली नगर निगम चुनाव को लेकर के आगमन हुआ है, और मेरा उद्देश्य यह है कि बरेली में भी जो 80 वार्ड हैं और जो मेयर का क्षेत्र है, दोनों जगहों पर अच्छे प्रत्याशियों को उतारा जाए, जिससे यहाँ की जनता को पता लग सके कि जिस तरीके से माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में अच्छे शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के काम किया है, और यहाँ का पूरा समाज वंचित है उन सब चीज़ों से, उसको आज तक यही नहीं पता है कि अच्छे स्कूल कैसे होते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है गरीब जनता को कैसे मिलता है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग चुनाव में उतरे हुए हैं। और संभवतः बहुत शीघ्र ही आपको मेयर का प्रत्याशी भी मिलेगा, और यहाँ पे जो 80 वार्ड हैं वहाँ पर वार्ड में भी अच्छे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से मिलेंगे। पार्टी से क्या आशा की जा सकती है, इस बार कितने सभासद आप लिए होंगे? देखिए, पार्टी अप्रत्याशित रिजल्ट देगी यहाँ पर, चूँकि जनता को पता है कि केवल और केवल एक ही पार्टी ऐसी हिंदुस्तान में जो जो कहती है 100% उस पर अमल करती है और जनता के लिए काम करती है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के अलावा जिसने जो कहा हो उससे ज़्यादा करके दिखाया हो, केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। जो घोषणा करेगी वो करके दिखाएगी, और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि दिल्ली और पंजाब और इसके बाद दिल्ली की MCT का चुनाव है। 10 साल के अंदर पार्टी ने जो अपना स्वरूप लिया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को हासिल हुआ है, ये सब कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत और जनता के लिए किए गए कामों की वजह से ऐसा फलीभूत हो पाया है। तो मैं चाहता हूं कि बरेली में भी दिल्ली MCT की तरह पुनरावृत्ति हो और यहां पर अच्छे जो है रिजल्ट हासिल हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।